दिया, आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था उसके बाद क्या आपको कोई मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं? लोगों ने आपके साथ कोई सोशल बायकॉट किया है या आपको धमकियां मिली हैं? क्या सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदो वैया कनस्तईन। पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ना मैं सिंध हाउस में था और मैं जो इत्तेजाज कर रहा हूं वो 3 साल से कर रहा हूं। आज से 3 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था, उसका सबूत भी मौजूद है, मैं क्लिप भी आपको भेज दिया है। उसके बाद मैंने करप्शन पे बात की, मैंने लॉलेसनेस पे बात की, इन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस जारी किया और वो शो कॉज नोटिस मैंने इस्लामाबाद में जाके उसको कंटेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने मुझे उस पर आजाद कर बिल्कुल बेगुनाह कर दिया और कहा कि आप सही कह रहे हैं। अब मैंने 3 महीने पहले एक इशू उठाया है, मैंने कहा मेरी 5 मुतालबात हैं, अगर ये आप पूरे करेंगे तो मैं असेंबली आऊंगा। मैं 3 महीने से असेंबली नहीं गया, मैं जमीर का कैदी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे अल्लाह रहम करे मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं किसी इकतदार के लिए नहीं कर रहा, मेरा अपोजिशन से कोई रब्ता नहीं है, मैं शुरू से सच और हक के ऊपर स्टैंड लेने वाला इंसान हूं और उसके मेरे पास सबूत मौजूद है। मेरे साथ जुल्म क्या हुए हैं मेरे, आप 5 मुतालबात थोड़े से सुन ले आप। सबसे पहला मेरा मुतालबा है कि सीएम सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे लिए गए हैं वो वापस कराए जाएं और सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे लेके जो पोस्टिंग डीसी वगैरह की जा रही है वो बंद की जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि जो गरीब है उसके लिए घी आटा चीनी दाल उसकी कीमत सब्सिडी दी जाए, हमारे डेवलपमेंट फंड काट लें सारे, मोटरवेज रोक दें, उनको सब्सिडी दे के 2018 वाले रेट दें, क्योंकि गैस और बिजली के भर बिल भरने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। तीसरा सेक्रेटेरिएट है जो बना इन्होंने साउथ पंजाब में, उसमें इख्तियारात आज तक नहीं दिए गए, पहले मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया था, उसके सबूत भी मेरे पास हैं, इन्होंने आज तक वहां इख्तियारात नहीं दिए। चौथा, मुल्तान में बंद सेंटर में बच्चों को दाखिल नहीं हुआ जाता, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, वहां बच्चे मर रहे हैं निस्तर में, और वहां पे एक डीएचक्यू सेंटर है जहां पे हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर और ऑप्थोमोलॉजी सेंटर मंजूर करवा लिया है, 3 साल से खाली पड़ा है, अप्रूवल हो गई है, उसमें ये दाखिले की इजाजत नहीं दे रहे। ये वो मासेस के केसेस हैं, वहां पे लॉलेसनेस इतनी है, करप्ट अफसर लगाए जाते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने स्टैंड लिया है। मैंने ये कहा है कि जब तक ये मुतालबा मेरे पूरे नहीं होते, आप कह रहे 5 मुतालबे, जो पहला मुतालबा है मैं जरा उस पर आपको लेके जाऊं, आप कह रहे हैं कि सीएम ने आपसे पैसे लिए, यानी आप सीएम पंजाब की बात कर रहे हैं, बुज़दार साहब सेक्रेटेरिएट में पैसे लिए गए हैं। अच्छा, किस चीज के ऊपर, कब, कितने पैसे लिए गए हैं, कितने पैसे, कब? मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसको डिस्क्लोज उस वक्त करूंगा, क्योंकि हर मीडिया पे मुझे यही सवाल किया गया, मैं डिस्क्लोज उस वक्त करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे सामने बैठे, अगर मैं इसको साबित कर दूं तो वो रिजाइन करें, क्योंकि रियासत मदीना उन्होंने बनाई है, अगर वो साबित मैं ना कर सका मैं रिजाइन भी करूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। तो आप ये प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं? इस बात का है, चैलेंज कर रहा हूं।